हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीजीत ऑफिशियल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये उसका पार्ट टू है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं SSC CGL CHSL में। एंड काइंडली इस वीडियो को आप पूरा देखिए सो दैट आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जान पाएंगे डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ओके, लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स एंड द करेक्ट आंसर इज पेनिनसुला। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा इनकरेक्ट है, पेनिनसुला। ओके, अगला क्वेश्चन है, Express your thoughts clearly in words. Okay. Express your thoughts clearly in words. And the correct answer is articulate. Okay. Articulate. यहाँ पे ambivalent means having mixed feelings or contradictory ideas about something or someone. Okay. Having mixed feelings about someone or something, that is ambivalent. Archive means records. Okay, a collection of historical records relating to a place, organization or family, that is archive. Then equivocal. Equivocal means open to more than one interpretation. Okay, we can otherwise say it ambiguous. Okay, equivocal. तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द करेक्ट आंसर इज एरेबल। एरेबल इज द करेक्ट आंसर। स्प्राउट मीन्स ए न्यू पार्ट ग्रोइंग ऑन ए प्लांट। ए न्यू पार्ट ग्रोइंग ऑन ए प्लांट, दिस इज कॉल्ड स्प्राउट। ये क्वेश्चन भी आपको SSC CGL या फिर SSC के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उसमें आ सकते हैं, ऑप्शन वाइज अगर आप देखें तो। देन स्टेरिलाइज्ड मीन्स टू किल द बैक्टीरिया ऑन समथिंग। ओके, स्टेरिलाइज्ड मीन्स टू किल द बैक्टीरिया ऑन समथिंग। एंड वेनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेड। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, फेंट। फेंट मीन्स प्रिटेंडेड अटैक। ओके, प्रिटेंडेड अटैक, दैट इज ए बॉडी मूवमेंट दैट इज इंटेंडेड टू डाइवर्ट अनदर्स अटेंशन, ऑफन बाय बीइंग डेलिबरेटली लेफ्ट इनकम्प्लीट। ओके, प्रिटेंडेड अटैक। अगला क्वेश्चन है, द रूल बाय नोबल्स। The rule by nobles and the correct answer is aristocracy. Aristocracy is the correct answer. The rule by nobles. Nobles के द्वारा rule किया जाता है, जो aristocracy उसको बोलते हैं। Okay. And monarchy, मैं आपको बता दूँ, monarchy means the system of having a king or queen. Okay. King होंगे या फिर queen होंगे उसमें, monarchy बोला जाएगा उसे। And republic means a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives. Okay, republic, our country. And autocracy means a system of government by one person. Okay, one person with absolute power, autocracy. देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए पर्सन प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स। ओके, ए पर्सन प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स एंड द राइट आंसर इज टैक्सीडर्मिस्ट। ओके, एंड मैं आपको बता दूं, बिलोक्विस्ट मीन्स ए पर्सन हैविंग द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग टू डिफरेंट वॉइसेस। ओके,
इट इज कॉल्ड बिलोक्विस्ट. एंड फिलोलॉजिस्ट मीन्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड ऑफ डिसिप्लिन्स रिलेवेंट टू लिटरेचर. ओके, इट इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट. एंड ऑक्यूलिस्ट मीन्स एन ऑप्टिशियन. ओके, ऑक्यूलिस्ट. इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन ऑप्शंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अगले एग्जाम्स में. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. किलर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स ए फॉर्च्यून टेलर. ओके, ए फॉर्च्यून टेलर, और वी कैन से ए पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर. ओके, सो किलर ऑफ प्रॉफिट, the correct answer is matricide. Okay, we know the meaning of matricide. Matricide means killing of mother, patricide means killing of father, and sororicide means killing of sister. इतना अगला question. Make a pill by excluding light. Okay, make a pill by excluding light or sickly. Pale or sickly, that is called etiolate. Okay, the correct answer is etiolate. And foliate means decorate with leaves. Okay, leaves or foils, that is called foliate. And percolate means spread gradually. Okay, spread gradually. धीरे धीरे जो spread होता है, spread gradually. And procreate. Color change कर देती हूँ. Procreate means produce more individuals. Okay, procreate. Agla question hai, opinion contrary to accepted doctrines. This is very very important. Ye questions do teen baar pucha gaya hai. Opinion contrary to accepted doctrines, and the correct answer is heresy. Heresy is the right option. Heresy means an opinion that disagrees strongly with what most people believe. जो most people believe करते हैं उसको एक opinion strongly disagree करता है. Okay, that means heresy. And advocacy. Advocacy means active support of an idea. Okay, इसका opposite हो सकता है. Advocacy, active support of an idea. This can be the antonym of heresy. Okay. Agla question dekhte hain. The scientific study of the mind. This is very easy actually. The scientific study of mind, and it is called psychology. Okay. It is called psychology. Sociology means the study of the development, structure and functioning of human society. Okay, this is called sociology. And philology, मैंने कुछ समय पहले भी बताया था, that the branch of knowledge that deals with the structure, historical development and relationships of a language or languages. Okay, and anthropology, this is also very important. Anthropology, the study of human societies and cultures and their डेवलपमेंट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज इनअसेसेबल. ओके, इनअसेसेबल मीन्स अनएबल टू बी रीच्ड. एंड इनएविटेबल. Inevitable means unavoidable. And illegible. Okay, illegible means not clear enough to be read. And inaudible means unable to be heard. Agla question dekhte hain. A place where sheep load and unload goods. This is very easy, and the correct answer is port. अगला क्वेश्चन है, ऑफ वंस ओन फ्री विल. ओके, खुद की इच्छा से. एंड द करेक्ट आंसर इज वॉल्यूंटरी. दिस इज द राइट ऑप्शन.
वॉल्यूंटरी. मैंडेटरी मीन्स नेसेसरी, ओके, रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी. एंड ऑब्लिगेटरी मीन्स लीगली बाइंडिंग, दैट इज ऑब्लिगेटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर. ओके, वन इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, दैट मीन्स नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज इम्प्रोवाइडेंट. इम्प्रोवाइडेंट इज द करेक्ट आंसर. इम्प्रूडेंट मीन्स अनवाइज. इम्पोर्टेंट मीन्स लैकिंग पावर और अबिलिटी. इम्पोर्टेंट, अगेन मैं कह देती हूँ कि इन ऑप्शंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, सो काइंडली डोंट इग्नोर इट. अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज. सॉरी, एक्चुअली इसमें ऑप्शन नहीं है. एंड द करेक्ट आंसर इज लॉडेबल. ओके, लॉडेबल. यूलॉजी इसकी एक रिलेटेड वर्ड है. यूलॉजी means a speech or piece of writing that praises someone or something highly, specially a tribute to someone, okay, who has just died, specially a tribute, that is eulogy. And a person who deserves all praise, it is called laudable. Agla question, the burial of a corpse, okay. Corpse means a dead body. Corpse. Okay. And the correct answer is interment. Confuse mat hoega. Yahan pe internment hai aur interment hai. But the correct answer is interment. Okay. Agla question hai, conferred as an honor. Conferred as an honor. And the correct answer is honorary. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑनोरारी. ऑनोरारी मीन्स गिवन एज एन ऑनर विदाउट द नॉर्मल ड्यूटीज. ओके, ऑनरारी. ऑनरेबल मीन्स ओर्दी ऑफ बींग ऑनर्ड. एंड ऑनोरारियम मीन्स ए फी पेड फॉर nominally free service. Okay, that is honorarium. And honorific means showing respect for the person you are speaking to, that is honorific. Dekhte hain agla question. That which cannot be effaced. Okay, that which cannot be effaced. Effaced means remove completely. Okay, इरेज कर देना किसी चीज को कम्प्लीटली. एंड द करेक्ट आंसर इज इनडेलिबल. ओके, रिमूव कम्प्लीटली. यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अफेबल मीन्स फ्रेंडली. ओके, अफेबल मीन्स फ्रेंड. ओके, एंड इनविंसिबल मीन्स इनकैपेबल ऑफ बींग ओवरकम. इनविंसिबल, इलिजिबल दैट कैन नॉट बी रेड क्लियरली. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग. बहुत ही गंदा इंसान होगा एक्चुअली. ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग एंड ही इज कॉल्ड आर्सोनिस्ट. ओके, इज कॉल्ड आर्सोनिस्ट. आर्सोनिस्ट एंड हाईजैकर मीन्स, ओके, कलर चेंज कर देती हूँ, वन मिनट. हाईजैकर मीन्स ए पर्सन हु यूजेस फोर्स टू टेक ओवर ए व्हीकल, दैट मीन्स एरोप्लेन, इन ऑर्डर टू रीच अनदर डेस्टिनेशन. ओके, हाईजैकर. एंड एक्सटॉर्शनिस्ट, दैट मीन्स ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग मनी बाय थ्रेट ऑफ वायलेंस. डरा धमका के जो पैसे ले जाते हैं. ओके, एक्सटॉर्शनिस्ट. एंड एसेशन,
assassin means a person who murders somebody important or famous for money or for political reasons. Okay, assassin. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन. ओके, ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन एंड द करेक्ट आंसर इज इंट्रूडर. ओके, एंड वंडल मीन्स हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, काइंडली नोट इट. वंडल मीन्स हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी. देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नॉट स्वीटेबल फॉर ईटिंग. ओके, नॉट स्वीटेबल फॉर ईटिंग, नॉट स्वीटेबल. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इनएडिबल. ओके, अगर स्वीटेबल फॉर ईटिंग होता तो क्या होता, एडिबल होता. ओके, एडिबल जो स्वीटेबल फॉर ईटिंग, समथिंग दैट इज स्वीटेबल फॉर ईटिंग. नॉट स्वीटेबल फॉर ईटिंग दैट मीन्स inedible. Agla question. The state or quality of being holy. Okay. The state or quality of being holy. And the correct answer is sanctify. Okay. Avarice means extreme desire for wealth. Okay. Extreme desire for wealth. Parsimony means miserliness. Okay. The fact of being extremely unwilling to spend money. Conjuice. Okay. Bahut hi conjuice. Parsimony. Agla question is, a substance easily evaporated at normal temperatures, and this is volatile. Volatile is the correct answer. One who studies antiquities. One who studies antiquities, and the correct answer is archaeologist. Okay, archaeologist is the correct answer. Apologist means a person who offers an argument in defense of something controversial. Apologist. Agla question dekhte. One who doesn't believe in God, जो God में belief नहीं रखता, and the correct answer is atheist. ये question भी बहुत बार पूछा जाता है, and जो belief रखता है God पे, he is called theist. Okay. देखते हैं अगला question. One who is skillful, and this is the last question of this video. One who is skillful. And the correct answer is dexterous. Okay, dexterous is the correct answer. Diligent means industrious. Okay, meticulous, hardworking, diligent. And आज के लिए बस इतना ही. इस वीडियो में हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कशन किए हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए. और काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड दिस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.